Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. The video bombers are here. करूंगा करूंगा सब सब एडिट होगा तीन चार व्लॉग में आए नहीं ना तो उसको ऐसे रह नहीं रहा नहीं क्या हमसे एनीवेज वी आर गोइंग टू सोनगिरी फोर्ट टुडे अनदर ट्रैक जो बहुत कम लोगों को पता है मुंबई से बहुत नज़दीक पुणे से भी उतना ही करीब करजत स्टेशन से ओनली 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे इतना नज़दीक कि ये यहाँ पे नीचे आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है जो पुणे से करजत की तरफ आने वाला कंडाला घाट का रेलवे ट्रैक इतना नज़दीक है करजत से दिस इज द फोर्थ ईयर क्लाउड्स में गायब है अभी व्लॉग ओपन में यहाँ पे कर रहा हूँ आधे ट्रैक में लेकिन आपको नीचे से पूरा दिखाऊंगा सो लेट्स गेट ऑन टू द ट्रैक नाउ ओके आई एम शूटिंग दिस एट द एंड ऑफ द व्लॉग बट ये वीडियो में शुरू में जाएगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पीपल वॉचिंग दिस वीडियो कमिंग हियर और यहाँ आने के बाद गलत रास्ते से चालू करें बिकॉज ये जो रूट है जहाँ से हम नीचे उतरे ये बहुत ईजी रूट है सो लेट मी टेल यू अगर आप पलसदरी साइड से आते हो तो आप यहाँ पे नेवाड़ी गांव में पहुँचने के बाद नेवाड़ी गांव के एक्सट्रीम एंड तक आना है एंड तक आने के बाद ये राइट साइड में ट्रेल चालू होता है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम करजत साइड तो आप आओगे मोहिली की तरफ से मोहिली का आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेगा और वहाँ से आगे आने के बाद जो फर्स्ट लेफ्ट कच्चा रास्ता जाता है वहाँ से ऊपर आके तुरंत ये ट्रेल चालू होगा सो यू डोंट नीड टू गो इनसाइड द विलेज तो अगर आप विलेज के बीच में जाते हो वो मंदिर के पास तो मंदिर के पास गाड़ी लगाने के बाद वो वाला रास्ता दिखता है जो ऊपर जाने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजिंग है दिस वन इज़ क्वाइट ईजी सो आप आराम से ऊपर तक पहुँच सकते हो अरुण अभी ये वर्ल्ड फेमस हो गया सब लोग शिवम प्रकाश और फिर एक नया मेंबर चिराग माय चाइल्डहुड फ्रेंड फ्रॉम करजत तो अभी वो अकेला करजत से आया शिवम एंड ऑल दोस गाइस रात को घर पे आए थे तो इट्स अनदर ट्रैक जो शून डैन से ऐसे हाथ लंबा करो तो आप पहुंच जाते हो किले पे इट्स लाइक 5 किलोमीटर्स फ्रॉम आर प्लेस ऑल्सो राइट या सो नेवाड़ी गाँव है ये करजत से शून डैन आने के रास्ते में राइट साइड में ये किला दिखता है सोनगिरी फोर्ट वी आर गोइंग ओवर हियर नाउ There's a temple there in the village, ये वाला अभी टेम्पल का ऊपर का नहीं दिख रहा है इस टेम्पल से एग्जैक्टली टेम्पल के बाजू से जाना है ऊपर सो गाइस लेट्स स्टार्ट चलो सो दिस ट्रैक विच यू आर सीइंग नाउ दिस इज द लीस्ट नोन ट्रैक जो आज तक कभी किया है मैंने सोनगिरी फोर्ट करजत में रहने वाले कितने लोगों को पता नहीं है इवन इस गांव में आया मैं यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी आधे लोगों को पता नहीं है एक दो लोगों ने तो बोला किधर उधर कहाँ जाते हैं क्या है ऊपर एक मोमेंट के लिए तो डाउट हो गया था कि कुछ है या नहीं ऊपर लेकिन है बाकी दो तीन लोगों को पता था उन्होंने बताया कि यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ एनीवेज दैट्स करजत सिटी That's how close it is from Karjat. बहुत ही ज़्यादा बारिश चालू हो चुकी है और हम रास्ता भटक चुके हैं जंगलों में कहीं पे It seems finally गलती से सही रास्ते पे आ गए हम लोग पता नहीं था कौन से रास्ते पे घुसे जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता भी मिला नहीं लेकिन जिस रास्ते पे अभी घुसे हैं ना वो लग रहा है कि सही है इतना अनएक्सप्लोर्ड है ना कि रूट्स भी मार्क नहीं है मार्क तो छोड़ो प्रोमिनेंटली दिख भी नहीं रहे बीच में ही जाके पूरा घास में झाड़ियों में गायब हो जाता है सब कुटे किल्ल्यावर तीस म्हटलं किल्ल्यावर कसा आलो फाइनली रस्ता सापडला असं बोल
फाइनली वी आर ऑन राइट ट्रैक और अच्छी खासी चढ़ाई भी चालू हो गई है एंड द सीनिक व्यू इज अमेजिंग। भाई बारिश में हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहन के आओगे तो मच्छर काटेंगे ही ना। सो गाइस अभी जो पार्ट हम लोग चल रहे हैं ना इट्स लिटरली रिस्की। सी एकदम नैरो पगडंडी है और अगर आप गिरते हो तो सीधा नीचे जाएंगे। देयर इज नथिंग, नो ग्रिप व्हाटसोएवर, सीधा ही जाना है। क्या म्हणतो चिराग, माती म्हटलं पूर्ण आहे होते। हां एक्चुअली हां दासव दे, हां लूज सॉइल है नीचे। बहुत मज़ा आ रहा है, दैट्स द फोर्ट। थोड़ा सा ही बचा है अभी। सो इट्स टेकन अस अराउंड 2 आवर्स टिल हियर, लेकिन बहुत टाइम पास करते हुए है। बारिश भी लगी, ऊपर जाके देखते हैं अभी। के बीच में से ऊपर आके इस तरफ जाना है अब। सो दिस इज ओके, आई कैन सी द फोर्टिफिकेशन वॉल ओवर देयर। वन मोर ऑफ बीट अननोन अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक गाइस, ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट। अभी इतना फॉग है ना कि ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे क्या है दिखाने लायक। विल फाइंड आउट, दिखाते थोड़ी सांस ले लेते। फॉग जब तक कम नहीं होता तब तक फोर्ट पे कहाँ पे क्या है वो पता नहीं चलेगा। सो वी हैव डिसाइडेड टू वेट टिल एटलीस्ट 5-10 मिनट्स। बीच में एक मिनट के लिए फॉग क्लियर हुआ था लेकिन वापस आ गया, तो जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक थोड़ा 360 देख लो। वहाँ से आए हम लोग नीचे से। शिवम इज बिजी ऑन फेसबुक लाइव। इस तरफ है एक्चुअली फोर्ट का एक्सपांस, लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। Guys, we are all going in tiny planet mode now. ये ऐसा कुछ करना होता है ऐसे हाथ हिला के, I don't know what it is. कुछ नहीं करना, हो गया tiny planet. तो नसीब नहीं है अच्छा अपना कि फॉग हट जाए। आधा घंटा वेट किया ऑलमोस्ट, इट्स 10:15 नाउ, लेकिन फॉग नहीं हटा। फोर्ट एकदम छोटा सा है, मतलब उस एंड से इस एंड तक हार्डली 100 मीटर मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है। पोर्ट्स जो भी है बने हुए उनको घाट एरिया से जोड़ने वाले जो भी रूट्स है, मतलब बोरघाट है, उम्बरखिंड है, नाणे घाट है, तो सारे वो घाट रूट्स के आजू बाजू में वॉच टॉवर्स बने थे कि यहाँ से जो ट्रेड रूट्स पास होते हैं उनके ऊपर से जो भी लोग प्लाई करेंगे उनके ऊपर वॉच रखने के लिए। तो इट्स वन ऑफ दोज बोरघाट, मतलब जो अभी खंडाला घाट है उसके आजू बाजू में ये सब छोटे छोटे फोर्ट्स हैं। ये हुआ सोंडाई, फिर आपका राजमाची है, इरशाड़ है, करनाड़ा है। सो ये सब इसी लिए बने थे। यहाँ पे राइट साइड में सिस्टर्न है, इट्स क्वाइट बिग सिस्टर्न।
बट खराब हालत में है, मतलब थोड़ा डैमेज भी है. सी दिस, पानी भी खराब है अभी उसमें. दस वन मोर ग्रुप हियर, ओनली वन ग्रुप हियर, संडे होके भी. ट्रैकिंग करते वक्त व्लॉगिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है भाई. सीख लिया मैंने एक हाथ से ट्रैकिंग करना. काउंटिंग किलोमीटर्स ने सिखा दिया. सो देयर इज नथिंग ओवर हियर, इट्स जस्ट अ रिज. वो फोर्ट है सामने और इस तरफ दूसरे पहाड़ पे आए हम लोग. बट देयर इज नथिंग हियर, इधर से गैप बढ़ते जा रहा है. सो फॉग हट नहीं रहा है, बारिश फिर से चालू हो चुकी है. नाउ वी आर वॉकिंग बैक. माइक फिर से निकाल के रखा हुआ है, तीसरी बार. ट्रैक जब स्टार्ट किया तब से तीसरी बार माइक लगाया, माइक निकाल के रखा. अभी वापस लगाने का मन नहीं है और इसकी मस्ती रुक नहीं रही है. जब जा रहे थे ऊपर तो बहुत ज़्यादा बारिश थी. yes. तो ये प्लेट्यू दिखा नहीं पाया. इट्स अ ग्रेट स्पॉट. जस्ट विजुअलाइज करो कि यहाँ पे कैंपिंग क्या बढ़िया हो सकती है. नो मून्स नाइट पे यहाँ पे आके टेंट डालो और ऊपर तारे देखते रहो. नो पोल्यूशन, नथिंग. क्या व्यू रहेगा यार. लेकिन दैट वॉज अ राइट पॉइंट अरुण. यहाँ पे आते हो तो बिल्कुल भी कचरा मत करो. जो भी ला रहे हो ना वापस लेके जाओ. लीटर मिली लीटर कुछ भी मत करो. बहुत गंदा था ना. आते वक्त यहाँ से आए थे, अभी जाते वक्त यहाँ से जाएंगे. दिस इज द रूट टू फोर्ट. ये ट्रेल से आने के बाद अभी पता चला द प्रोमिनेंट ट्रेल इज गोइंग डाउन हियर. और हम लोग आते वक्त पता नहीं कैसे लेकिन यहाँ से आए थे. अभी ये वाला ढूंढेंगे. ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है. सो मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा रूट होगा. हम लोग कहीं से भटक के आए थे. दिस वन इज़ अ क्वाइट प्रोमिनेंट रूट गाइज. मतलब इसमें कहीं खो जाने का चांस नहीं है. अच्छा खासा मार्क्ड रूट है. बट द ओनली थिंग इज अभी जहाँ से स्टार्ट किया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, उसी गांव में कहीं दूसरी जगह पे बाहर निकलेंगे. तो अभी नीचे पहुँचने के बाद मैं दिखाऊँगा कि एग्जैक्टली हम कहाँ पे बाहर निकलते हैं. सो जो स्टार्ट वाला मैंने शूट किया है ना, उसके बदले ये ध्यान में रखो बाद में. सो गाइस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कोई. शो यू. वो जो मंदिर है वहाँ पे बाइक्स पार्क्ड है, बाइक्स कार सब. तो वहाँ से सिर्फ डिफरेंस ये हुआ है कि हम लोग चढ़ते वक्त ये सामने वाला जो हिलॉक है ये रिज चढ़ के हम लोग ऊपर गए थे. एंड वाइल कमिंग बैक वी आर रिटर्निंग फ्रॉम दिस साइड. दैट्स द ओनली डिफरेंस. मतलब एक ही गाँव में एक तरफ से चढ़े दूसरी तरफ से नीचे उतरे. सो बहुत कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है. दोनों रूट्स है बट दिस वन इज ईजियर. सो गाइस ट्रैक इज ऑलमोस्ट ओवर. नीचे पहुँच के बाइक्स तक पहुँच के वहाँ से निकल के घर पहुँचना ये सब तो है डिस्टेंस अभी. लेकिन सामने से बारिश आ रही है. सो आई एम पैकिंग अप द सेटअप. दिस वॉज येट अनदर ईजी और शॉर्ट ट्रैक. सुबह 7 बजे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. इवन नॉट इवन 7 o'clock, राइट? यस, 7:15 समथिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. एंड राइट नाउ इज 12 o'clock. तकरीबन मतलब 4.5 घंटे में हम लोग ऊपर जाके पूरा फोर्ट देख के वापस नीचे पहुंचे. इट्स हाउ शॉर्ट द ट्रैक इज. हाफ डे ट्रैक यू कैन कॉल इट.
कभी भी अगर आपको प्लान करना है यू कैन जस्ट कमेंट बिलो और यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप हमको DM कर सकते हैं सो दैट वी कैन शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस ट्रैक एंड एनी अदर ट्रैक्स इन दिस एरिया और एनीवेयर. आप किसी भी वीडियोज़ के बारे में अगर कुछ भी पूछना है तो फील फ्री टू आस्क. हैविंग सेड दैट, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए ट्रैक, नए राइड या नए एक्सपीरियंस के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स. सबको सिखाया था.